कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं के आदेशानुसार अराजक तत्व शराब पीने या पिलाने वालों को बढ़ावा दे रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस प्रशासन ऑपरेशन इवनिंग स्ट्राम के तहत कार्यवाही की गई। अचानक हुई पुलिस की कार्यवाही के चलते होटल स्वामियों एवं अवैध शराब कारोबार से जुड़े अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट ढाबों की आड़ में शराब पिलाने वाले कुल 34 लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही में कुल 1,35,000 रुपये के नकद चालान किए गए। साथ ही ऐसे ढाबा एवं होटल स्वामियों के भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा के अनुसार पुलिस द्वारा संयुक्त टीम के माध्यम से समय समय पर टनकपुर बनबसा थाना क्षेत्र में इस तरह की कार्यवाही में अमल लाई जाती रहेगी। क्षेत्र में इसमें एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी थाना टनकपुर थाना बनबसा की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोग शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें एमबी एक्ट, कैसी पुलिस एक्ट, कैसी पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई और आगे भी ये इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।